के पूर्व पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने भारत के दुश्मन नंबर वन दाऊद इब्राहिम से जुड़े कई अहम खुलासे किए हैं। जिस भगोड़े दाऊद को पकड़ने के लिए देश की सुरक्षा एजेंसियां जीतोड़ मेहनत कर रही हैं, उसी दाऊद का एक बेटा भी है और वो भारत में ही रहता है। नीरज कुमार का कहना है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का एक बेटा है जो कथित रूप से भारत में ही रहता है। नीरज कुमार का दावा है कि दाऊद ने गुपचुप तरीके से बॉलीवुड की एक अभिनेत्री से शादी भी की थी। सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर रह चुके नीरज कुमार अपने दावों को और मजबूत करते हुए कहते हैं कि दाऊद का बेटा बेंगलुरु में रहता है। नीरज कुमार ने सारी बातें अपनी आने वाली किताब डायल डी में कही है। नीरज कुमार ने दाऊद और संजय दत्त से जुड़े कई अहम खुलासे भी इस किताब में किए हैं। किताब के मुताबिक 1993 का समय था, मुंबई धमाके हाल में ही हुए थे। जांच पूरी तेजी से चल रही थी। दिल्ली के सुभाष सिंह ठाकुर, भाई ठाकुर, चंद्रकांत पाटिल और परेश देसाई सहित दाऊद के गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। जब इन लोगों के घरों की तलाशी ली गई तो भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए थे। गिरफ्तार किए गए लोगों की पूछताछ में और भी लोगों को गिरफ्तार करने में मदद मिली। इनमें से एक अहमद मंसूर था, जिसे दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके से गिरफ्तार किया गया था। वह डी कंपनी का हवाला कारोबार देखता था और दाऊद को बचपन से ही जानता था। नीरज कुमार ने अपनी किताब में मंसूर के हवाले से लिखा है, दुबई में दाऊद राजा की तरह रहता है, उसे क्रिकेट और बॉलीवुड के प्रति काफी लगाव है। यही नहीं, वो जो कह देता है मुंबई में उसे कानून मान लिया जाता है। रियल एस्टेट, आर्थिक मामले, फिल्मों की रिलीज डेट जैसे मुद्दे दाऊद की कथित अदालत में ही तय होते थे। बॉलीवुड से जुड़ी लगभग सभी हस्तियां उसके यहाँ अपनी हाजिरी लगाने जाती थीं। यही नहीं, उसे एक बॉलीवुड अभिनेत्री बेहद पसंद थी और दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली थी और दोनों के एक बेटा भी है जो कि बेंगलुरु में रहता है और उसकी देखभाल का जिम्मा अभिनेत्री की बहन के पास है। नीरज कुमार की इस किताब के कुछ अंश एक अंग्रेजी अखबार में भी छपे हैं। उन्होंने अपनी किताब में एक चौंकाने वाला खुलासा भी किया है कि जब दाऊद को पता चला कि उसके भाई अनीश ने बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को हथियार दिए हैं तो वो बेहद नाराज हो गया था और उसने गुस्से में अपने भाई की पिटाई भी कर दी थी। नीरज कुमार ने आगे बताया कि जब मैंने दाऊद से संजय दत्त को हथियार देने की बात पूछी तो दाऊद का कहना था कि अनीश ने संजय दत्त को हथियार दिए थे। उन दोनों की मुलाकात दुबई में हुई थी जब यलगार फिल्म की शूटिंग चल रही थी। संजय ने यह हथियार अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मांगे थे और अनीश ने उन्हें मुहैया भी करा दिए थे। संजय दत्त इसी जुर्म की सजा जेल में काट रहा है। हालांकि इस किताब के तथ्यों की हम पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि कई बार लोग अपनी किताब हिट कराने के लिए इस तरह के सनसनीखेज खुलासे भी करते हैं। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब, फॉलो एंड लाइक।